राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाना, नए संसद भवन का बॉयकॉट तक करना उद्घाटन समारोह का अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगता है आप भी आहत होंगे इस तरह की बातें सुनकर और ताबूत के साथ संसद की तस्वीर देखकर। आप सबकी, जितने प्रवक्ता जुड़ते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सबकी यही तो चरम स्वप्न होता है कि एक दिन हम उस संसद में जाकर बैठे जो मंदिर है लोकतंत्र का। अंजना जी नमस्कार। सबसे पहले भारत के वीर सपूत वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती पर हम विनम्र अभिवादन करते हैं। दूसरी बात, जेडीयू और आरजेडी ने, खास करके आरजेडी ने जो ट्वीट के माध्यम से प्रक्रिया दी है, हम, मतलब मेरी पार्टी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मुझे नहीं पता, बट ये अच्छी बात नहीं है। और जो वीर सावरकर पर नीरज कुमार बोल रहे हैं जेडीयू के नेता, इस पर तो मुझे घोर आपत्ति है। हमारी एक अलग विचारधारा की पार्टी है, हमारा उनके साथ कोई विलय नहीं हुआ है एक दूसरे के साथ। इसके लिए हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी की एक विचारधारा रखी हो, लेकिन उनकी इस विचारधारा से मुझे आपत्ति है, मेरी पार्टी को आपत्ति है। देखिए अंजना जी, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, हमने बहिष्कार किया है, अपनी एक भावना प्रकट की है सरकार के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने, कि हम आपके इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि आपने भारत के प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। ये हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। हमें यदि कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, हम बहिष्कार करेंगे, हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन वो गरिमा पूर्ण तरीके से होगी, अभद्रता उसमें नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि आपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बनाया, हम आपका सम्मान करते हैं, हम हर वो काम करने को तैयार हैं जो लोकतंत्र में आप हमसे चाहते हैं, लेकिन हम एज अ विपक्ष, हम भी आपसे कुछ मांग करते हैं। आपने प्रधानमंत्री होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते, विपक्ष के सभी लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों हमसे बातचीत नहीं किया? पहले कि हम एक बार फिर से तस्वीरें पूरे संसद की दिखाएं, क्योंकि आज देश देखना चाहता है किस तरह से उद्घाटन किया गया है। वीर सावरकर को वहां पर श्रद्धांजलि भी दी गई है, उसकी भी तस्वीरें हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप जो कह रहे थे वो चीख चीख कर पहले आप लोग बता रहे थे ना कि हमने प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को दिया है। आज देखिए कैसे बाजी पलटी है। विपक्ष आपको याद दिला रहा है कि आपने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया तो सम्मानित करके यहाँ क्यों नहीं बुलाया? अंजना जी, सत्य को चीखने की आवश्यकता नहीं होती है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को अनुसूचित जाति की पहली महिला को राष्ट्रपति बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है और इसको चीखने की क्या आवश्यकता है? और सर्वोच्च न्यायालय स्वयं बता चुका है कि संवैधानिक प्रावधान इस तरह का, और जो जनता दल यूनाइटेड इतने सारे तर्क गढ़ रहा है, वो बताया ना कि 18 वर्षों में 2005 से 2023 के श्रीमान नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितने वास्तुओं के उद्घाटन, जिसमें विधान भवन का भी उद्घाटन शामिल है, उसका शिलान्यास शामिल है, राजभवन से राज्यपाल को क्यों नहीं निमंत्रित किया? क्या वो दलित थे इसलिए नहीं निमंत्रित किया? क्या उनका अपमान करना नीतीश कुमार का इरादा था? क्या नीतीश कुमार को यह ज्ञान आज प्रकट हुआ है कि संवैधानिक व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुख होता है? ये संवैधानिक ज्ञान का प्रकटीकरण जनता दल यूनाइटेड को, कांग्रेस को, स्टालिन की पार्टी डीएमके को, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, इन सबको अभी ज्ञान हुआ क्या इसका? प्रेम शुक्ला जी, आरजेडी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि जो हमने ताबूत बनाया है वो दरअसल हम ये दिखा रहे हैं प्रतीकात्मक तरीके से कि देश में लोकतंत्र को दफन किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि संसद से तुलना नहीं करें, लोकतंत्र दफन हो रहा है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन जी। लोकतंत्र तब दफन होता है जब मुख्यमंत्री चारा चोरी पर आमादा होता है। लोकतंत्र तब दफन होता है जब रेल मंत्री जमीन के बदले लोगों को नौकरियां देता है। लोकतंत्र तब दफन होता है जब आप जंगल राज बना देते हैं, अपहरण को जो है आप अपने शासनकाल में उद्योग बना देते हैं। लोकतंत्र तब सशक्त होता है जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति पद, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब अंत्योदय होता है तब लोकतंत्र सशक्त होता है। जब एक परिवार को जो है लूट का भागीदार बना दिया जाता है और लूट कर उसको राजमहल में बसा दिया जाता है,
ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, छह तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, मैं लौट रही हूँ, आप सब बने रहिए। देखिए सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन जितना ये संसद पक्ष से बनता है उतना ही विपक्ष से भी बनता है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा गया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अधीनम 21 पीठों के तमिलनाडु से आए, उन्होंने ये सेंगोल सौंपा पीएम को, फिर वो लेकर आगे बढ़े और स्पीकर की कुर्सी के बगल में उसे स्थापित कर दिया गया है। संतों को नमन किया, साष्टांग करके प्रधानमंत्री ने सिंगोल के सामने में एक तरह से लोकतंत्र के इस मंदिर का सम्मान किया, और वहीं नई लोकसभा में पीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं।